स्टेज पर मौजूद हैं और इस बात का क्यों ना फायदा उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिलागुल साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं प्रिवील करें हम सबके साथ? जबरदस्त जी, ये अगला मरहला है, ये आखिरी मरहला है, द मैप रिवीलिंग सेरेमनी फॉर स्टालकोट मोटरवे सिटी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली इस मौके का इंतज़ार किया है कि हम कब मैप अनवील करेंगे, तो इंशाल्लाह वो घड़ी आ गई है और हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट ग्रुप चेयरमैन मोहम्मद उस्मान खान टू प्लीज अनवील द मैप। Congratulations to everybody here for this moment. Bilal Gul sahab, aap se kuch guzarish hai, kuch aur gustugu karein is map se mutalliq bhi. Reveal to kiya, lekin kuch isse mutalliq hum chahenge aap aur bhi gustugu karein sir. Ji, thank you so much. Acha, jab hum Sialkot mein aaye to jo realtors hain unse mulaqat hui, jo Islamabad ki realtors hain, un sab ka yahi sawal tha ki aap log map kab unveil karenge. So alhamdulillah aaj hum yahan pe map unveil kar chuke hain. मैं पहले थोड़ी सी बात करूं कि सोसाइटी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और जिसको हम ऑन ओवर टॉप करने लगे हैं। जब हम आए थे तो हमने कहा था हमारे पास एक एक्सेस है, आज मैं यहाँ पे अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्सेस हैं। रिस्पॉन्स आना चाहिए, वही रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोगों के लिए। अच्छा, जब हम आए तो हमारे पास, जब हमने पहला बुलेवार्ड का बताया तो वो 120 फुट थी, सो दैट्स नॉट द साइज जहाँ जिस पर हम जा रहे हैं। ये 120 नहीं है, ये 220 नहीं है, ये 300 प्लस का मेन बुलेवार्ड है जो कि सियालकोट में फर्स्ट लेवल सोसाइटी है जिसका इतना बड़ा बुलेवार्ड होगा। बुलेवार्ड के बाद और एक्सेसेस के बाद फिर नेक्स्ट में बात करूंगा। हमारा ये विजन था कि हम जो भी देंगे इट्स गोइंग टू बी सियालकोट फर्स्ट, सो हम सियालकोट को इसकी पहली हाई राइज देने जा रहे हैं। इतनी अप्रूवल सियालकोट में कभी किसी को नहीं मिली, इट्स गोइंग टू बी ग्राउंड प्लस 34। भाई एनर्जी कम लग रही है, डू यू वांट मी टू टेल यू मोर अबाउट द मैप? सो बी एनर्जेटिक। अच्छा, हाई राइज की तो हमने बात कर ली है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी सिंपल हाई राइजेस। यहाँ पे आजकल टिकटॉक का दौर है, मीडिया वाले भी मौजूद हैं, सो जितने टिकटॉकर्स हैं उनको वीडियो बनाने के लिए कभी किसी शहर जाना पड़ता है, कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, तो अब आपको मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल दीज हाई राइजेस विल बी मोन्यूमेंट बिल्डिंग और ये इंशाल्लाह पूरी सियालकोट की पहचान होगी। इनमें से हर एक बिल्डिंग मोन्यूमेंट बिल्डिंग है जिसके साथ इंशाल्लाह आप फ्यूचर में सारी अपनी वीडियोस बना रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे चीफ गेस्ट आए तो उन्होंने बात की कि सियालकोट में ये फैसिलिटीज और अमेनिटीज वो अवेलेबल नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी फेल्ट। तो इस नीड को कैटर करने के लिए वी आर गोइंग टू गिव द फर्स्ट एवर कम्युनिटी क्लब टू सियालकोट, जिसमें आपको नॉट ओनली रिक्रिएशनल नीड पूरी होंगी, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो यूथ में है या चाहे वो कोई बुजुर्ग है, इंशाल्लाह सबको उस क्लब में एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, ये कम्युनिटी क्लब जो है दिस इज गोइंग टू बी एफिलिएटेड विद एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके एमओयू की साइनिंग करेंगे जिसपे इंशाल्लाह हम सब आपको दावत देंगे।
थोड़ी देर पहले अभी बिजनेस की बात हो रही थी कि यार यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स ऑल बिजनेस कम्युनिटी, ज़्यादातर सियालकोट जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली सियालकोट स्टिल डजंट हैव इट्स ओन बिजनेस हब. जैसे अमेरिका में इट्स मैनहट्टन, इट्स कॉल्ड द बिग एप्पल. सिमिलरली इंशाल्लाह हम सियालकोट का बिग एप्पल बिजनेस हब इंशाल्लाह सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे, जो सियालकोट का सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है. सियालकोट वालों की एनर्जी की कम है गाइस, चीयर अप. अच्छा बात करें, देखिए सियालकोट इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, और ये बहुत दुख की बात है कि सियालकोट में एक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ना स्टेडियम है, ना क्रिकेट का हो, ना फुटबॉल का हो. आप लोगों को मैच देखने के लिए कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है. सो हमने आपका ये वाला इशू भी एड्रेस कर दिया है. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू लीव सियालकोट, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस में इंशाल्लाह सियालकोट मोटरवे सिटी के स्टेडियम में होंगे. हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम देने जा रहे हैं. और फुटबॉल के फैंस भी ज्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह एक फीफा के स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम भी है. थोड़ी देर पहले कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की बात हुई थी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सियालकोट में पहले कभी नहीं आए, स्पेशली फॉर चैम्बर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हैं, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं. तो इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल बीच के साथ पूरा एक ब्लॉक इंशाल्लाह देने जा रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली टारगेटेड है फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये सारे उन्हीं के मेंबरान को दिए जाएंगे. ये सारी हमने बात तो कर ली कि हम सियालकोट फर्स्ट क्या देने लगे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एमेनिटीज भी हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जो बेसिक नीड्स हैं जो हमने केटर किए हैं. इसमें फ्रेश वाटर सप्लाई है, वी विल हैव आरओ प्लांट फॉर ईच एंड इंडिविजुअल ब्लॉक. हर ब्लॉक का अपना आरओ प्लांट होगा जिससे उनको साफ पीने का शफाफ पानी मिलेगा. इलेक्ट्रिसिटी आजकल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है. इट्स लोड शेडिंग एवरीवेयर, स्पेशली मैं सियालकोट में, सिंस वी बीन हियर फॉर द पास्ट मेनी वीक्स, तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का इशू है. कभी कभी तो फील होता है शायद 5-6 घंटे बिजली देते हैं, 12 साल बाकी सारा टाइम बिजली नहीं होती. सो हमने इस इशू को भी एड्रेस किया है. व्हाट वी विल बी डूइंग इज हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी बैकअप टू द एंटायर सोसाइटी. 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पर कभी भी लोड शेडिंग नहीं होगी. बाकी दैट्स फॉर नाउ. बाकी इसके अलावा जो है इंशाल्लाह बाकी लिस्ट ऑफ एमेनिटीज एंड फैसिलिटीज डेफिनेटली वी विल बी शेयरिंग विद यू. इन द एसेंस ऑफ टाइम वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया. ये इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था अगर आप लोग ना आते. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.